आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा के बारे में। डीआरडीओ की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि एडीई की तरफ से एक टेंडर रिलीज किया गया है और इस टेंडर के तहत आईआईटी कानपुर में स्थित विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, जिसको नेशनल विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी कहा जाता है, वहां पर विंड टनल टेस्ट करने के लिए एक WTT मॉडल बनाया जाएगा। और ये WTT मॉडल यानी कि विंड टनल टेस्ट मॉडल एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का मॉडल होगा। अगर आप इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है और इसी वजह से जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उससे साफ समझ में आता है कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट अभी केवल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में यूज की जाएंगी। टेंडर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है इस WTT मॉडल की वो कुछ इस प्रकार की है। इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड की होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि विंड टनल टेस्टिंग मॉडल यानी कि WTT मॉडल एयरवर्दी नहीं होगा और ये उड़ेगा नहीं, बल्कि ये विंड टनल टेस्टिंग मॉडल विंड टनल टेस्टिंग के दौरान 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को सिमुलेट करेगा। यानी कि इसके ऊपर इतनी तेजी से हवा मारी जाएगी जितनी आम तौर पर एक फाइटर जेट 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे उड़ते हुए झेलेगा। वहीं पर अगर बात की जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो ये विंड टनल टेस्टिंग मॉडल -15 डिग्री से लेकर +30 डिग्री के एंगल तक का इंसिडेंस झेल सकेगा। वहीं पर अगर साइड स्लिप की बात की जाए तो ये -20 से लेकर +20 तक किसी भी एंगल को सिमुलेट कर सकेगा। यानी कि ओवरऑल जिस तरीके की फ्लाइट पैरामीटर्स और फ्लाइट एनवेलप को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है। यानी कि ये विंड टनल टेस्टिंग मॉडल लो स्पीड और बहुत कम एजिलिटी के साथ में मूवमेंट को सिमुलेट करने वाला है। वहीं इन टेक्निकल पैरामीटर्स में दो और गिव अवेज हैं। पहला, इस सिस्टम में यूज होने वाले एलेवॉन्स -30 डिग्री से लेकर +30 डिग्री तक की रेंज का डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एलेवॉन्स पिच कंट्रोल में काम आते हैं, ये एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं। और दूसरा गिव अवे है रडर, यानी कि DRDO की तरफ से एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर इनिशियल स्टडी शुरू कर दी गई है। और अगर आप इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को और ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 18 महीने के अंदर इस टेंडर के तहत जो वेंडर चूज किया जाएगा वो DRDO को विंड टनल टेस्टिंग मॉडल, उसके ऊपर की जाने वाली स्टडी और रिपोर्ट्स सब कुछ डिलीवर करेगा। और मोस्ट लाइकली इन 18 महीनों के बाद में इस सिस्टम को लेकर फीजिबिलिटी स्टडी शुरू की जाएगी। यानी कि 18 महीने के अंदर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट DRDO की तरफ से दे दिया जाएगा और उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होगी तो फीजिबिलिटी स्टडी के लिए फंड्स मंजूर किए जाएंगे। और लगभग 5 से 7 साल लगेंगे इस फीजिबिलिटी स्टडी को कंप्लीट करने में। यानी कि जिस भी सिस्टम के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो साल 2030 से पहले आपको दिखाई नहीं देगा। वहीं पर अगर बात की जाए HAL की, तो उनकी तरफ से भी अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काम किया जा रहा है। इसी रिक्वायरमेंट को लेकर HAL की तरफ से एक किरण एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है और ये किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट अनमैन्ड तौर पर उड़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस किरण एयरक्राफ्ट के ऊपर जो टेस्टिंग की जा रही है उसके बेसिस पर कैच वॉरियर और आने वाले समय में अनमैन्ड तेजस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा। नेवर्थलेस, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और रिसर्च सेंटर्स की तरफ से जो फोकस है वो सही डायरेक्शन में है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट अनमैन्ड होंगे, इस वजह से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारे के सारे इंडिकेटर्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।